ये है कॉन्फिडेंस। और किसी के भी बंदे का मुझे लिहाज ना करना, ये भी है। ये तो नहीं है कि वो सामने कर मजमा फलां मसला कहता हूं ये वाली गुफ्तगू, फलां मसला तो फिर ये वाली गुफ्तगू, ये ना हो। अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सर, तुम अपने नजरिए पास रखो, वो नजरिया रखने और उस नजरिए में फिर डट जाना कॉन्फिडेंस है। 2 नंबर बंदे में कभी कॉन्फिडेंस नहीं है। मैंने समझा बात, जिस बंदे के अंदर जिसने फ्रॉडी लगानी है ना, जिसने किसी का नुकसान करना है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है। और कॉन्फिडेंस कैसे आता है, सवाल कैसे पैदा किया? मेरे अंदर आएगा तो बच्चों में आएगा, जहाँ खाली होगा तो गिलास कभी बाहर नहीं सकता। बच्चों के अंदर तब आने जब मेरे अंदर होगा। कॉन्फिडेंस को कैसे बिल्ड किया जा सकता है? स्किल से, स्टडी से, शाबाश, उसके बाद एक्सपेरिमेंट, उसके बाद सर मतलब से मतलब कोई हम चीज मतलब हेयर कर सकते हैं लेक्चर से, यूट्यूब से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जी, प्री प्लान एक्टिविटीज। ओके, माशाल्लाह, वेरी नाइस ऑफ यू। कॉन्फिडेंस आता है प्रैक्टिस के साथ, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आता है सिर्फ प्रैक्टिस के साथ। मैं उस तरीके से बिरयानी नहीं पका सकता जिस तरीके से शेफ ने पकानी है, अगर जो मैंने पीएचडी की होगी। समझा पा रहा हूं कि नहीं समझा पा रहा हूं? वजह क्या है? उसकी प्रैक्टिस ज्यादा है। ड्राइवर मुझसे अच्छी गाड़ी चलाएगा, हजाम मुझसे अच्छे बाल ट्रिम करेगा। वाई? प्रैक्टिस। मैं कैंची पकड़ के काटने लगूं, काम जाएगी। वाई? प्रैक्टिस नहीं है। तो याद रखिएगा, सिर्फ एक प्रैक्टिस है जो आपको कॉन्फिडेंस दे। इतनी प्रैक्टिस करें कॉन्फिडेंट रहने की। फेक इट अंटिल यू मेक इट। जब तक कॉन्फिडेंस आ नहीं जाता तब तक शेर बन के चलना है, और नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं अपने मुताबिक टीचर की पता क्या कहता हूं, वो टीचर ही क्या जो जाए और मजमा खा के ना आ जाए। वो टीचर क्या, वो टीचर ही क्या वो क्लास में खड़ा हो जाए और बच्चे के दिल में आया छुट्टी हो जाए। बच्चा ख्वाहिश में कासिम अली शाह साहब के पास ना मैं इधर बैठा तो दिल से ये दुआएं याद, लेक्चर बंद ना हो, चलता तो कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। वो वाला उस्ताद बने फिर एक लेक्चर का 5 लाख। तो कॉन्फिडेंस आपके पास आएगा, कैसे आएगा? प्रैक्टिस से। कितनी प्रैक्टिस चाहिए? अब जितनी कार ले काम है, मुतमईन नहीं होना। दूसरी चीज है जी क्रिएटिविटी। आपको पता है कि हर चीज को समझाने के लिए कोई और मेथड भी इख्तियार किया जा सकता है। क्रिएटिविटी मेरे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी होनी चाहिए, फिर एजुकेशन है। और अगर मेरे बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी नहीं है तो फिर एजुकेशन नहीं है। बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी तब आती है जब मेरे अंदर क्रिएटिविटी होगी। नहीं समझा पा रहा? समझा पा रहा? मतलब हम डिफ्यूजन ऑफ गैसेस पढ़ाते हैं। गैसेस जो है रैंडम मोशन की वजह से मिक्स हो जाती है, ये डिफ्यूजन। कितनी आसान बात है। तो मैं एक परफ्यूम लेकर क्लास में जा सकता हूँ, बेटा ये हवा है सांस में, ये देखिए आपके अंदर हवा आ गई है, ये एक गैस है और ये मैं दूसरी छोड़ रहा हूँ, ये मिक्स हो गई, देखिए खुशबू आप तक आ गई, होमोजेनियस मिक्सचर बन गया। ये डिफ्यूजन तो कर सकता था कि नहीं कर सकता था? yes, ये बताएं कि मैंने कोई बड़ी आउट ऑफ द रेंज जाके बात की है या ये पॉसिबल है? तो याद रखिएगा, जो बंदा जितनी हाथ ऊपर जा सकता है जब वहां तक करता है ना, उसका हाथ और लंबा कर देता है। जराफे की गर्दन इसलिए लंबी हुई थी। नहीं समझा पा रहा? जितना आपका अल्लाह ने हाथ बनाया ना उतना तो उठाए, अल्लाह और लंबा कर देगा। और लंबा करता है, और लंबा। आपकी ख्वाहिश होनी चाहिए कि मैंने लंबा करना। तमन्ना दर्द दिल की हो तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोबर बादशाहों के खजीनों में। ना पूछ इन खिड़का पोशों की, इरादत हो तो देख उनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीन। ये आप लंबा कर सकते हैं अपने आप को। तो क्रिएटिव हो। क्रिएटिव का क्या मतलब है? आपने बच्चों को वही लेक्चर नए अंदाज में देना और पढ़ाना की कोशिश करें। मैंने 15 मिनटों में लेक्चर दिखाना है। आप सोचिएगा विजुअल्स ऐड कर सकते हैं अच्छे और वो क्यों नहीं कर रहे सवाल है। बहुत अच्छा सर जी ये ठीक है, किस चीज ने रोका ये ना कहिएगा माहौल नहीं है, ये ना कहिएगा माहौल नहीं है। मैं फिर आपसे कहूंगा कि जो ही माहौल में ठंड आती है तो फिर कोट कहां से निकल आते हैं। माहौल जैसा भी हो हम अपने आप के हिसाब से चलते हैं ना, ऐसा तो नहीं है ना। और याद रखिएगा कश्ती जो है ना कश्ती ये पूरे समुद्र इसका जो मर्जी समुद्र कर ले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, डूबेगी तब जब इसके अंदर खुद छेद होगा। समझा पा रहे हो समझा पा रहे? इतना बड़ा लाखों किलोमीटर लंबा समुंदर है कोई इसका बाल भी नहीं कर सकता जब तक खुद इसके अंदर पानी ना। इसका मतलब क्या हुआ माहौल मैटर ही नहीं करता। अच्छा बाहर जितने मर्जी पत्थर हो मैंने जूता पहना मुझे कोई परवाह नहीं, इतना सा कंकर अंदर चला गया ना तो फिर मुझसे चला नहीं जाएगा, अंदर आ गया तो मस्त है। तो अब बताएं सर्कमस्टांसेस जो हैं उनके मुताबिक रिएक्ट करते हैं या उनकी बुरा होकर पता किस पर नहीं आता। बढ़िया हम बात कर रहे हैं आपको पता बुरा होकर किस पर नहीं आता, जो तैयारी करते हैं उस पर नहीं आता। प्रेपरेशन सर जो सोया होता है ना सर जी उस पर बुरा होकर आता। तो क्रिएटिविटी की तरफ नए तरीके याद करें, मसलन मैं बड़ी प्यारी छोटी छोटी एक्टिविटीज की बात करता हूँ कि पहले दिन एक बच्चा स्कूल आया ना मैं छोटे जो हिस्से के टीचर हैं हाथ खड़ा करें हैंड रेस करें शाबाश ठीक है। पहले दिन बच्चा आया ना क्या हमने वेलकम कार्ड बनाया हुआ है, एडमिशन होते ही नहीं होते स्कूल में, ये मुझे सोचना था। अच्छा पहले दिन बच्चा आया है उसने कैसा दिन गुजारा है उसकी तस्वीर बनाकर उसके पेरेंट्स को जानी चाहिए कितनी इमोशनल अटैचमेंट होगी इदारे के साथ। तो मेरा बेटा देखो पेंटिंग कर रहा है, याद हानि होगी सारी जिंदगी संभाल के रखना उन्होंने। तो सोचे अगर उस तस्वीर के नीचे लिखा होता सोच मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ले रहा, ये स्कूल की तस्वीर सारी जिंदगी के लिए रजिस्टर रहनी। मैं एक दिन की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक दिन की बात कर रहा हूँ। टीचर आगे से लेने आती है उस बच्चे को क्लास में, बेटा आज तो आपका दिन है सारा दिन बच्चे प्रोटोकॉल में था। मैं क्या अर्ज करूं पहले दिन की बात, इतना तो काम किया जा सकते हैं। अच्छा फिर वहां पर वॉल ऑफ ऑनर, फिर हम अपने स्कूल में ऐसे कर रहे हैं हम जो भी बच्चा नहीं आता है ना उनको एक पौधा देना है और कहने के घर जाकर प्लांट करना, उसकी तस्वीर हमें व्हाट्सएप। कितने का पौधा? 50 रुपए। ये मुश्किल काम है कि पॉसिबल है मुझे बताइए। तो फिर हम तारी कुछ नीचे सोए हुए हैं तो फिर बुरा वक्त आएगा कि नहीं आएगा, उस पे आता है जो सो रहा हो। अच्छा ये एक बात कह रहा हूं और ये 9th 10th में इतनी मिसालें हैं कि ये फाट जाएगा सीना। इतना कुछ किया जा सकता है। बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या है? जानदार, जानदार क्या है? एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये तो सारे दिखाए प्रैक्टिकल है। एक्सीलेंट जॉब मेरे पास ना टीचर्स आई सर जी वो जो नहीं है जनरल नॉलेज उसमें सुबह बलूचिस्तान पढ़ाना था सर जी ये कैसे पढ़ाने चले आप जनाब। अब ये देखिएगा मैंने कहा कि वो कहते हैं सर इसकी स्लाइड्स नहीं बनती है सुबह बलूचिस्तान, हम टीचर से स्लाइड्स बनवाते हैं, स्लाइड्स पढ़ाते हैं छोटी क्लास है बुक। अच्छा तो वो कहते हैं जी सर जी इसकी थोड़ी स्लाइड सर ये तो रीडिंग ही करवानी। मैं पहली लाइन क्या लिखी है? कहते हैं जी लिखा हुआ जी सुबह प्रोविंस बलूचिस्तान इज द लार्जेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान। अच्छा मैंने कहा कि आप पाकिस्तान का नक्शा दिखाएं और दिखाएंगे ये सुबह बलूचिस्तान है, देखेंगे ये पंजाब है, ये सिंध है, ये केवी के और ये बलूचिस्तान सबसे बड़ा काम है आबादी के लिहाज से पंजाब और बलूचिस्तान मुस्लिम बलूचिस्तान ठीक है। तो आई बात में नहीं आ रही। मैंने कहा कि एक पॉइंट आपने सब सीखा आ रही है, अब बच्चा भूलेगा नहीं सारी जिंदगी आपने क्या किया दिखाया। एक ये तो मैं कह रहा हूँ इट इज माय चेयर, इट इज मेड ऑफ वुड, इट हैज 4 legs, इट हैज 1 arm, इट सरफेस इज शाइनी, अ कारपेंटर मेड इट। एक ये तरीका है। दूसरे मैं कुर्सी आपके सामने रख दूं मैं पूछूं इसके कितने आर्म हैं? एक मैं को कितनी टांगे हैं? इट हैज 4 legs। ये किस चीज की बनी है? इट इज मेड ऑफ वुड। ऐसे तैयार हुआ कि नहीं हुआ? अप्लाई हर चीज हो सकती है। फिर एक टीचर को रीडिंग करवा रहे थे गा रही राखी, वो पहली वही का वाक्य है। तो अब वो कहती है सर वो खोली हुई और वो रीड कर रही है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 36 वर्ष हो गई तो आप अकेला रहना शुरू हो गए और गारे हीरा में जाकर इबादत करने लगे, जहाँ तक आपकी उम्र मुबारक 40 साल हो गई तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से हज़रत जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए और आपको पहली वही में सूरतुल अलक़ की पहली 5 आयत नाज़िल हुई, जिसमें जिनका तर्जुमा कि इक़रा बिस्मि रब्बिका लज़ी, ऐसे ही है ना जी। अब ये कहती है सर जी इसको तो नहीं दिखाया जा सकता। मैंने कहा ठीक है 2 मिनट जरा मुझे दें। मैंने कहा कि ये आप एक पहाड़ बनाते और पहाड़ पर ये बना देते ग्वार, क्या बना देते जी ग्वार। अब इसका क्या नाम है गाड़े। अब ये 23 के हैं तो आप उनको ये बताइए एक पहाड़ है बेटा गार ही ना, उसके पहाड़ के अंदर जो थोड़ा सा शगाफ होता है उसको गार कहते हैं। बच्चों को ये नहीं पता, नहीं समझा पाए। अब देखिए जो आना चाहो तो 1000 रास्ते, ना आना चाहो तो उसे 1000, ठीक है। तो मैंने कहा बेटा यहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में जाया करते थे और इबादत फरमाया करते थे, ठीक है। तो कब जब आप सल्लम की उम्र मुबारक 36 से लेकर 40 इयर्स ऑफ एज है वो, ठीक है जी। तो फिर नबी पाक सल्लम एक दफा जब 40 वर्ष के हो गए तो अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ते आए। कौन आया था जी? अल्लाह की तरफ से एक फरिश्ता। अब वो उधर लिखा हुआ था हज़रत जिब्राइल आए, अब ये नहीं लिखा हुआ जिब्राइल कौन है। फरिश्ता फरिश्ता होता क्या है? हो सकता बच्चे के लिए ड्रामी नहीं हो। मैंने तो रीडिंग ही की, वो ही किया जो बुक में था, नहीं ना समझा पा रहा। तो वो भी तो किसी इंसान ने लिखी है, वो परफेक्ट है। आई बात समझ में? तो फिर उसमें मैंने दिमाग लगाने की कैसे बेहतर किया जा सकता, समझा पा रहा। ये फरिश्ते आए हज़रत जिब्राइल। बच्चों के साथ साथ मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं अगली बात तब तक नहीं जाता जब तक पिछली ना आए। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो आए, ठीक हो गया जी। आप उन्होंने पहली वही नाज़िल की। और कौन सी सूरत नाज़िल की? सूरह अलक़। उस वक्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी मुतम्मा थी जिन्होंने आपको तसल्ली दी थी? तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाज़िल हुई ना सूरत अलक़ की 5 आयत, तो फिर आप किसके पास गए? हज़रत खदीजा के पास। तो उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या दी थी? तसल्ली दी थी। उन्होंने क्या दिया को? आप मुझे बताइए। अब मेरे बच्चों से रिपीट कर रहा हूं, मैंने कहा नबी पाक सल्लम कहाँ जाया करते थे? क्या करने जाया करते थे? कब जाते थे? उनकी उम्र कितनी थी? हज़रत जिब्राइल जब आए थे तब उम्र कितनी थी? जिब्राइल कौन है? और हज़रत जिब्राइल जो है वो जब पहली महीना आए तो कौन सी सूरत नाज़िल हुई थी? कितनी आयत नाज़िल हुई थी? 5। नबी पाक उसके बाद कहाँ गए थे? और हज़रत खदीजा को क्या दी थी? मुझे बताएं किसको नहीं आया? 5 मिनट पढ़ाया। अब ये मैंने पढ़ाया कि दिखाया और समझाया। टीचर किसको कहते हैं? टीचर किसको कहते हैं पता? सीख रहे हैं। टीचर किसको कहते हैं पता? पढ़ाने वाले को टीचर नहीं कहते, सिखाने वाला। सिखाने वाला टीच का मतलब होता है सिखाना। तो बताइए भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताइए, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ कि ऐसा हो सकता। अच्छा फिर आगे था, मैंने टीचर से पूछा ये बलोचिस्तान में वापिस आते हैं, उसके आगे लिखा हुआ था दे वियर अ लार्ज टर्बन On their heads, ब्लॉकिंग कल्चर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। अब मैंने मैम जी से पूछा, मैम जी व्हाट डू यू मीन बाय टर्बन? शी डिडंट नो। पगड़ी। तो अब मुझे बताएं उनको लेक्चर तैयार करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उनको खुद ही नहीं पता टर्बन को कहते हैं, तो मैंने पूछा टर्बन किसको कहते हैं तो नहीं पता। लेक्चर तैयार हो तो कॉन्फिडेंस आता है, समझा पा रहा हूँ। मैंने कहा कि अच्छा इसकी स्लाइड्स तो नहीं बनती होंगी, गूगल पर लिखे हैं जाकर बलोचिस्तानी टर्बन, गूगल पर जाकर लिखे बलोचिस्तान, नहीं आ जाएगी पगड़ियां, तो वो आप दिखा सकते कि नहीं दिखा सकते? तो फिर पॉसिबल है कि नहीं है? कोई भी चीज प्रैक्टिकल नहीं करनी। फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं हुआ, फिर यूं, ये मार्केट को मैं समझ रहा हूँ टीचिंग को प्रैक्टिकल करना है, इन्वॉल्व होना है, उस लेवल पर जाकर, बच्चे के लेवल पर जाकर इन्वॉल्व होना है। उसको मजा आना चाहिए, कहीं ये क्लास ना याद मांगो, ब्रेक बंद हो जाए, छुट्टी हो जाए, मैम जी अपनी बात पूरी करके। अच्छा, क्रिएटिविटी। उसके बाद तीसरी चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट, करैक्टर। तीसरी चीज क्या है जी? करैक्टर। जी जी मैथ में अलजेब्रा कैसे बच्चों को करवाओ? एक्सीलेंट सर जी, बहुत प्यारा सवाल। मैं पूछूंगा अलजेब्रा क्यों करवाया जाए, और एक इसमें मैं और चीज ऐड करता हूँ। बहुत प्यारा सवाल है ये, मैं इस सवाल को फिर डाल देता हूँ कि था अलजेब्रा। सबसे पहले मुझे उसकी वजह बताने के अलजेब्रा करवाया क्यों जाता है, और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कि MBBS अगर आप अमेरिका से करते हैं ना, उनको आखिरी सेमेस्टर में भी अलजेब्रा करवाया जाता है। पाकिस्तान में तो FSC के बाद अगर आपने मेडिकल रखा तो क्या होने वाला, खत्म। ठीक है, तो वो अलजेब्रा कहां पर करवाते हैं भला? MBBS के लास्ट सेमेस्टर में भी करवाते हैं। अब सवाल है क्या अलजेब्रा क्यों? ये इसका अगर आपको जवाब आ गया ना तो अलजेब्रा भी आ जाएगा। बता रहे अलजेब्रा, वेरी गुड, जबर में लाइक मजबूरन जी। और प्लीज अलजेब्रा ऐसी चीज है कि किसी भी अननोन चीज को फाइंड करने के लिए वेरिएबल ऐड किए जाते हैं, इसलिए कि जो चीज नहीं फाइंड आउट होने के लिए वेरिएबल ऐड किए जाते हैं, अननोन टाइप के वेरिएबल ऐड किए जाते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ पहला कदम मैम जी बोले हैं, ये जोर से क्लैपिंग कीजिए। अच्छा जी, जी अलजेब्रा पता है क्यों किया जाता है? अलजेब्रा इंसानी दिमाग के मेथड्स डेवलप करवाता है जो क्रिएटिविटी के होते हैं, कि ऐसे नहीं तो लेट कर लें, ऐसे नहीं तो ऐसे, ये फॉर्मूला नहीं तो ये वाला, ये वाला नहीं तो ये वाला। तो ये क्या करता है? क्रिएटिव बनाता है। अलजेब्रा का और कोई फंक्शन नहीं है, क्या करता है? क्रिएटिव बनाता है। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, ये देखिएगा, ये बड़ा हम ये पॉइंट मुझे समझ में आया। कल जब सर जी की कॉल गई ना 9 बजे के, सर ढाई से टीचर्स भी आ रहे हैं, तो मैं रात 2:30 बजे तक जो है ना फिर अपने लेक्चर को मन भी करके ना कि जो कुछ आज मैंने सीखा ना सब चीज कर दिया। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जो कुछ भी सीखा है मैंने मन भी कर दिया, आज तक जो मैंने सीखा मेरा मन भी है, फिर तैयारी की थी लेक्चर की, फिर मैं इसी जैसे की थी। तो बड़ी प्यारी मुझे बात मिली, वो कहते हैं कि ये 10 है, ये कैसे कैसे आ सकता है? बताइए सोचे सोचे। ठीक है जी, 8+2 जी, 7+3, 6+4, 12-2, शाबाश शाबाश शाबाश, 11+11 जी, शाबाश शाबाश शाबाश, सोचिए 15-5 शाबाश। मैं सारी जिंदगी दिखता रहूं तो नहीं खत्म होना, ये नहीं खत्म हो सकता, इतना बड़ा पैराडॉक्स है ये चीज डेवलप करवाना अलजेब्रा का पर्पस। इससे समझ में आ गया ना मेरा मकसद ही है, नबी मकसद को क्लियर था कि मेरा पर्पस है सब तक क्या करना, पैगाम पहुंचाना, पहुंचा दिया ना। जिनका फैसला अटल नहीं होता उनके मसलों का कोई हल नहीं होता। मैं इसलिए हर काम को आज करता हूँ, मेरी जिंदगी में कल नहीं होता। ये सबसे पहले यहाँ पर करेंगे, और इसका पर्पस मकसद जोर लगवाता है। मैं ऐसा नहीं करता सर, मैं ऐसा जो है इनको मैं कहता हूँ दौड़े सर जी, दौड़े, मैं कहता हूँ सर जी तेज दौड़े, और थोड़ी सी तेज दौड़े, सर जी और तेज दौड़े, सर जी वो मुझे दौड़े। अगर इन्हीं के पीछे कोई कुत्ता चढ़े स्पाइडरमैन बन के जंप करके तुम दीवार पे चढ़े, तो पहले क्यों नहीं थका रहे? पहले भी तो लड़ती थी, पहले मकसद नहीं, पहले कोई मकसद नहीं था, मकसद नहीं था। 3 बड़े बड़े पहलवानों में से कहूं जाके लड़े आप, ये कभी भी नहीं लड़ेंगे, इनको पता है आप मुझे मार कर खाने की नहीं करते। लेकिन अगर वही 3 लोग इनके भाई तुम आ रहे हो आप तो पहले क्यों नहीं लड़ रहे? मकसद। तो याद रखिएगा जुमला लिख लें, जब तक लड़ने की वजह ना हो हम लड़ा नहीं करते। ऐसी जब तक बच्चों के अंदर भी पढ़ने की वजह डेवलप नहीं करवाएंगे वो पढ़ेंगे भी नहीं। वजह डेवलप करवाने पड़ेगी, खुद ही शौक लगा ले बस, ये टीचर का काम। आज की डेट में सर जी थैंक यू सो मच। आज की डेट में टीचर की डेफिनेशन क्या है भला? फैसिलिटेटर, जो आपको ड्रीम्स को अचीव करने में क्या करे? फैसिलिटेट करे। ही इज अ टीचर, तो फैसिलिटेटर बनना है। और अच्छा तीसरी चीज पर आए हम, ठीक है सर, क्लियर है? करैक्टर, किरदार, इसमें इतनी पावर है, इतनी पावर है, इतनी पावर है, नस्लें बदल जाती है। अगर मैं सच चाहूँ तो फिर मैं तबलीग कर रहा हूँ, नहीं समझा पा रहा हूँ। अगर मैं सच्चा हूँ और फिर उसको प्रचार भी करूँ, क्यों नहीं कलेजे निकल जाएंगे लोगों के? क्यों नहीं दिल दहल जाएंगे? क्यों नहीं लोगों की आंखें अश्क बार होंगी मेरा आवाज सुन के? अगर मेरे अंदर किरदार है। वक्त की पाबंदी, 10 मिनट लेट पहुंच के मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। रात 2, 3, 4 बजे सोकर बच्चों को मैं जल्दी उठने के सुबह फायदे बढ़ाना है। समझा पा रहा हूँ? तो मेरे क्या है, मेरे जाहिर और बातिन में क्या है, फर्क है। इस वजह से टीचिंग इफेक्टिविटी हो। तो एजुकेशन नहीं है। मेरा बच्चा, अगर मैं अच्छा मैं 1000 का नोट फेंक दूं, अगर तो शाम तक इधर ही पड़ा रहेगा, इसका मतलब है आपने एजुकेशन। और मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, मेरा अपना पाँव भी आ गया ना, उसको तो मैंने उठा लिया। ये हम मिन्हाजुल कौमिय्या भैया, ये हम अंदर से पूछे कि हजार करोड़ जब पढ़ा था तो आपने छोड़ दिया? अंदर से पूछे, जवाब आएगा कि नहीं? किरदार में फर्क। तो इस वजह से जब तक आपके अंदर ये करैक्टर, किरदार हुआ टीचर का, टीचर बच्चों को कह रहे हैं बेटा खूब मेहनत कर, खूब मेहनत से पढ़ा करो। बच्चे ने कभी टीचर के हाथ में कोई निसाब के अलावा किताब देखी है? बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा आपके पास। होता तो ये कि मेरे हाथ से किताब में छूटती। मेरा मैथ सब्जेक्ट और मैं 50 किताबें खरीद कर लाया होता अपने फ्रिज के हालात से। जुबान में जो तस्वीर आनी थी, बच्चों ने रोना करना था लेक्चर में। दूसरा ये है कि वो जो सवाल है उसको मैं 2 मिनट, अब तो ये सच इतने आम तरीका आ गया होगा। टीचर्स जो है खुद नहीं एफर्ट करते, वो यूट्यूब से लेक्चर नहीं कराते, कहते तैयार होंगे।